वेलकम पीके टेक्सचर वर्क। आज एक नया टेक्सचर डिज़ाइन के बारे में बताएंगे। टेक्सचर में मार्बल की जैसा एक डिज़ाइन बनाएंगे, उसके बारे में आज एक जानकारी देंगे आपको। आज हम इसमें एक सिंथेटिक प्लास्टर लगा रहे हैं, ये एकदम स्मूथ है। ऐसा मटेरियल नेक्सॉन में मिलता है और ड्यूराटेक्स, एशियन पेंट का डोलपोटेक्स, ऐसा सब मटेरियल आता है। थोड़ा थोड़ा क्वालिटी डिफरेंस होता है, लेकिन मटेरियल में डिज़ाइन तो बनता है, ये 100% है। आज इसके लिए टूल्स यूज करेंगे ये ब्रश। इस ब्रश में आप जैसे ऐसा पड़े दीवार पर ऐसा कुछ बना लो। दूर दूर तक बना लो, मानता हूँ एक 1.5 फीट में, और उसके बीच से एक ऐसा कुछ ले लो। ऐसा कुछ ले लो, ऐसे दीवार पर पैटर्न बना लो, जो बनने के बाद थोड़ा सुख जाएगा। आपको ऐसा कुछ काट के निकाल लो। ऐसा कुछ लाइनिंग दे दो। जो रॉक बना है उसकी बाजू में से एक लाइन ऐसा ले लो। इसको भी ऐसा ही लाइनिंग ले लो, और इधर थोड़ा कुछ ऐसा जैसे थोड़ा ऐसा जो मार्बल में जैसा आता है ना, ऐसा कुछ कर दो। ऐसा कैसे भी होता है,
सा थोड़ा लाइनिंग बना लो, जैसे मार्बल में लाइन होता है। आज की डिजाइन की पैटर्न आपने देखा होगा, जैसे ऐसा कुछ पैटर्न बनता है। इसे सूखने के बाद अच्छा सा घसाई करके इसके ऊपर कलर करेंगे। जैसे कलर जैसे बनता है आपको मैं बताऊंगा, देखते जाओ। उस डिज़ाइन को मैंने ऐसा एक ब्राउन कलर मारा हूँ, वो लाइट की रिफ्लेक्ट में आपको नहीं दिख रहा है ठीक से। कुछ एक कलर को लेके उसे थोड़ा काला रंग मिला के थोड़ा ब्राउन बनाया हूँ, ज़्यादा ब्राउन है थोड़ा। आपको नज़दीकी से दिखाऊंगा, दूर से दिखाऊंगा, मेरे मोबाइल में कुछ ठीक सा नहीं दिख रहा है, इसकी वजह से कहता हूँ। इसकी नंबर लिख दूंगा मैंने कलर का, और उसे और थोड़ा काला रंग मिला के डार्क बना लो, आपको आपके हिसाब से डार्क बना लो। देखेंगे इसको कलर कैसे करेंगे। इसको पहले हम कुछ वाटर बेस सिल्वर से इसे थोड़ा वॉश करेंगे। तुम इसे रोलर से मत वॉश करो, ऐसे स्पॉन्ज थोड़ा बड़ा पीस लेके, ज़्यादातर वो प्रेसिंग किया हूँ उस जगह पर ज़्यादा ही थोड़ा सिल्वर लगा लो, उस जगह पर अच्छा सा सिल्वर दिखना चाहिए, बाकी जगह पर हल्का सा वॉश कर लो, ज़्यादा नहीं। हम जो आपको डिज़ाइन सैंपल की तरह दिखाते हैं, जो साइट पे जो बनता है, जो कस्टमर के हिसाब से बनते हैं, हम हर दिन एक नया डिज़ाइन के बारे में सोचते हैं और उसे करते रहते हैं। ऐसा डिज़ाइन आपको यही कलर में कलर करने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आपकी भी कुछ चॉइसेस होता है, आपको इसको लाइट कलर में भी कर सकते हो, और नहीं तो ब्लैक कलर में। ऐसा हमारा कोशिश ये है कि एक नया डिज़ाइन ढूंढेंगे और नया डिज़ाइन के बारे में जानकारी देने का ही मेरा मकसद था, वही कर रहा हूँ आज भी। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, कुछ लोग तो दीवाने बन गए थे, ऐसा नहीं है, ये मेरा एक फर्ज था, ये कर रहा हूँ। अभी इस डिजाइन में आपको सिल्वर ऐसा वॉश किया हूँ जैसे आपको दिख रहा होगा, जैसे देखो ठीक से। मैं ज़्यादातर डिज़ाइन रात में करता हूँ, सुबह से अभी 6 बजे तक मेरे को काम था, उसके बाद आके एक डिज़ाइन बनाया। ये तो पहले बना के रख के एक बार कलर मार के वो कलर ठीक नहीं हुआ तो और एक कलर इसके ऊपर ट्राई किया हूँ, देखेंगे कैसा होगा ये। अभी एक बार सिल्वर का काम हो गया, इसके ऊपर गोल्ड लेते हैं, ज़्यादा नहीं, मेरे को थोड़ा चाहिए। आपको जब बड़े दीवार पर बनाते हो उसके हिसाब से बना लो,
मेरे को जस्ट थोड़ा आपको सैंपल है मेरा, ऐसा डिज़ाइन हम बनाते हैं फिर साइट पर दिखाते हैं, क्योंकि मोबाइल पे फोटो लेके कभी कभी कुछ चलता नहीं है। इसके लिए आज मैं ये स्टेनर यूज़ कर रहा हूँ, ये एक ब्राउन स्टेनर है, इसको ऐड करेंगे तो आपको मेटालिक जो गोल्ड था वो थोड़ा चॉकलेट में कन्वर्ट हो गया। लाइट नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही चॉकलेट बनाएंगे। ये स्टेनर सब बहुत पुराना है, इसकी इसका टाइम तो बहुत हो चुका है। देखो इसके ऊपर डिजाइन के ऊपर भी गिर गया है, तो चलता है हमको। आप तो साइट पे जब करते हो तो अब दुकान से मशीन स्टेनर ले लो, 1 लीटर का ले लो, बस चलता है इतना ही बस। अभी हम ये चॉकलेट कलर को, इसकी जो खाली जगह है जो लाइटली करके हमने कुछ खाली जगह पर ऐसा लगाया था, उस जगह पर इसको चॉकलेट कलर ले लो, नहीं तो कुछ ब्राउन नट ब्राउन का ले लो, नहीं तो कौन सा भी स्टेनर होता है, लेकिन ब्राउन कलर की होना चाहिए। बस आपका चॉइस है, वो कौन सा कलर लेना है आपकी हिसाब से ले लो। अभी जब हम मेरा सैंपल में मैंने ऐसा किया, ऐसा ही करना चाहते हैं तो आपको ऐसा भी ले सकते हैं, नहीं तो कुछ अलग सा ले लो। इसके ऊपर हम थोड़ा, अभी चॉकलेट कलर हो गया ना, इसके ऊपर थोड़ा हम और कुछ ट्राई करेंगे। जैसे इसमें थोड़ा रेड रंग, आपका हमारा डिज़ाइन अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये छोटे है, छोटे पीस पे बनाता हूँ, तो ऐसा मत समझिए कि बड़े दीवार पर अच्छे नहीं लगेगा। मैं ऐसा बना के कस्टमर को दिखा के बहुत डिज़ाइन बड़े दीवार पर किया हूँ। उसी मेटालिक के ऊपर मैंने थोड़ा रेड मिला के कुछ मिट्टी का कलर जैसा बन गया। ये थोड़ा उसके ऊपर से एज में लेते हैं, एक बार ट्राई करने से कुछ नुकसान नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। आप लोग घर पे थोड़ा ट्राई करके देखो। जो सिल्वर मारा है उसके ऊपर थोड़ा रेड लगा के इसको और एक पहचान देंगे। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट शेयर। आज मेरा एक नया डिजाइन है ये, ऐसा सब डिजाइन बना हुआ यार, वो टेक्सचर और स्टिक ये सब पुराना है बहुत, कुछ तो नया करके देखिए। ये पहले से भी अच्छा हुआ,
पहला थोड़ा खराब था ये, लेकिन आज मस्ती करेगी। जो रेड रंग बताया ना, वो फर्स्ट एड मिलाया मैंने वही मेटेलिक में, तो आपको कुछ मिट्टी का कलर भी इसमें जम गया। तो आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसे लगा, देखो अभी आपको नज़दीकी से दिखाता हूँ। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, कुछ मेरे को कुछ अलग सा दिख रहा है। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके बताइए। ये बड़े दीवार पर बहुत अच्छा लगेगा हमारा वीडियो, और टेक्सचर की डिज़ाइन को भगा के मत देखिए, एक बार तो पूरा देख लीजिए, इसी से आपको फायदा है। ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है, एक कम से कम 1-7 फीट की दीवार पर बहुत शानदार लगेगा। ये डिज़ाइन एक नया है, इसमें एक नया है, न्यू बोलते हैं, नया बोलते हैं, कुछ भी बोलिए, लेकिन इस डिज़ाइन में एक नयापन है। इसे डिज़ाइन करने से आपको आपके काम की डिमांड भी बढ़ जाता है। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना, गुड नाइट। फाइनली इसके ऊपर थोड़ा सिल्वर शेडिंग दे देते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बस। देखो अभी ये बहुत आपको अच्छा दिखता है डिज़ाइन, आपको एकदम शानदार है ये डिज़ाइन। ये मत सोचिए कि इतना छोटा पीस में इतना अच्छा बना, बड़े दीवार पर नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, जो आपकी हिम्मत के ऊपर है सब। एकदम फैंटास्टिक डिज़ाइन।